जटायु आर्ट सेंटर में। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम जा रहे हैं केरला की और एक फेमस प्लेस। ये सिर्फ केरला की ही नहीं, वर्ल्ड की भी एक बहुत फेमस प्लेस है, जिसके नाम है जटायु आर्ट सेंटर। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऊपर जाना है, ये पूरा ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आप वॉक कर भी जा सकते हो और केबल कर भी है, तो यही से टिकट मिलता है। जटायु आर्ट सेंटर पृथ्वी का ये सेंटर है। पार्किंग भी है, तो चलिए देखते हैं, अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ये जगह। लेट्स गो। जटायु आर्ट सेंटर केरला की कोल्लम डिस्ट्रिक्ट की चडायमंगलम में एक टूरिस्ट सेंटर प्लेस है। जटायु आर्ट सेंटर के अलावा जटायु नेचर पार्क और जटायु रॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये हम आ गए हैं जटायु आर्ट सेंटर के एंट्रेंस में। जी हाँ, यहाँ पे ये एंट्री की टिकट्स मिलता है यहाँ से। ये पार्क सुबह 10 बजे से शाम की 4 बजे तक खुला रहते हैं, और अगर आप फास्ट आवर्स में आ जाओगे तो ये रश इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन इसके बाद रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, लंबा लाइन लग जाते हैं। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप जल्दी यहाँ पे आ जाइए। ये पार्क की एंट्री फीस है 200 पर हेड विदाउट GST। उसके बाद 3 वेज है आपको जाने के लिए उस कल्चर तक। एक है वॉकवे, दूसरे है केबल कार, एंड द थर्ड वन इज हेलीकॉप्टर। सो हमने केबल कार में जाने के लिए डिसाइड किया है, इसीलिए हमको वो केबल कार की एंट्री तक जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, हम अभी जा रहे हैं, यहाँ पे चेकिंग होंगे, उसके बाद हम जाएंगे केबल कार की टिकट काउंटर में। हमें बताया गया कि केबल कार में जाने के लिए आपको अलग से ये टिकट लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने ये टिकट काउंटर में आए और देखे कि यहाँ की टिकट की प्राइस है 238 पर पर्सन।
ये प्लेस बहुत ही बढ़िया है और यहाँ की सिस्टम भी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे जगह भी है आपको बैठने के लिए, आप अगर वेटिंग कर रहे हो तो आपके वेटिंग के लिए भी जगह है, तो दिस इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एजेड पर्सन भी आए हुए हैं, उसको भी बैठने के लिए जगह मिल गए, तो दिस इज़ वेरी नाइस। और बस आ गई हमारी बारी, हम अब जा रहे हैं, ये देखिए हम स्टेयर में चढ़ के जा रहे हैं ऊपर तक, क्योंकि ऊपर से हमें केबल कार में लेके जाएगा। और ये देखिए हम आ गए हैं ऊपर, हम बस लाइन पे खड़े हैं, अभी हमारी बारी आने वाले है। टोटल 16 केबल कार्स अवेलेबल है यहाँ पे एंड ईच कार कैन प्रोवाइड 8 पैसेंजर्स ओनली। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, आपको जैसे वो गाइड देते हैं वैसे ही जाना है। तो हमें बताया गया कि ये जो रनिंग केबल कार्स आ रहे हैं ये रनिंग में हमें चढ़ना है। एक्चुअली ये रनिंग उतना ज़्यादा नहीं, बहुत ही स्लो है, लेकिन फिर भी आई एम सीरियसली वेरी एक्साइटिंग एंड रेडी टू गो। और ये स्टार्ट हो गई है चलना, बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, साथ में डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि हिल्स में केबल कार में जाना। एंड ये केबल कार की एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, यहाँ की व्यू, ओह गॉड, ये तो सुपर से भी ऊपर व्यू है पूरे, ओह अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग व्यू, रियली नाइस। अगर आप यहाँ पे काने की ट्रैवल कर रहे हो देन आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ की केबल कार में ही ट्रैवल करना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सीरियसली लाइफ टाइम है। And see, we reached our destination. And इसके बारे में जितना बताओ उतना ही कम है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ साथ ये वर्ल्ड क्लास जिस कल्चर सीरियसली बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आने के बाद पता नहीं क्यों एक अलग से सोल कनेक्शन भी हो गया है, क्योंकि यहाँ की जो पुराण की कहानी है वो शायद यहाँ पे कुछ अलग ही फीलिंग्स दे रही है। घटना घटी थी जहाँ पे रावण ने सीता मैया को लेके जा रहे थे और जटायु ने आके उसको सेव करने चाहा, लेकिन उसको उसका जो विंग्स है वो कट दिया, तो तब से जिंदा था जब तक राम जी नहीं आए। जब राम जी आए थे तो उसको पता कि वो फिर चल बसे। तो यही है ये इंसिडेंट यहाँ की, और यहाँ पे अंदर काम चल रहा है तो हम जा नहीं सकेंगे। बस बाहर से ही ये ब्यूटीफुल चीज़ देखें, ये बहुत ऊपर है और इसके जो ब्यूटीफुल व्यूज है वो भी बढ़िया है, तो चलिए तो एक्सप्लोर करते हैं इसका। ये
ये सी लेवल से लगभग 1000 मीटर की भी ऊपर ऊंचाई पे है। इसके अंदर जटायु राम मंदिर भी है, जहाँ पे पुराण रामायण के हिसाब से जटायु ने रावण के साथ युद्ध के बाद यही पे उसके कटे विंग्स के साथ वो राम जी के दर्शन के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि राम जी को बताना था कि रावण सीता मैया को लेके किस तरफ गए हैं। फिर राम जी जब सीता मैया को ढूंढते हुए इधर आए तो जटायु के साथ उनका मुलाकात हुआ, तो जटायु ने उसकी पूरी कहानी बोल के कैसे सीता मैया को लेके रावण किस दिशा पे गए हैं वो पूरे बताने के बाद ही वो अपने दम तोड़ दी। तो ये है यहाँ की कहानी। राम जी यहाँ पे आए थे इसीलिए यहाँ पे एक राम मंदिर भी बना हुआ है, और ये मंदिर के अंदर भगवान राम जी के मूर्ति भी है। तो यहाँ पे लोग ये पाठ देखने के साथ साथ राम जी के दर्शन के लिए भी आते हैं। और ये देखिए भगवान राम जी की पैरों के निशान भी हमें देखने को नसीब में मिल गए हैं। सब देख लिया है, अभी चलते हैं। बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, तो चलिए कुछ पानी वगैरह पीते हैं। चलिए यहाँ पे स्टॉल है। इतनी ऊंचाई पे ये होने के नाते यहाँ पे बहुत तेज धूप है, ठंडे कुछ पीने की बहुत मन कर रहे थे, तो इस समय ये नींबू पानी के एक स्टॉल मिल गए और इस समय पानी के कम ये नींबू पानी कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे स्नैक्स भी मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो हमने एक एक करके सब टेस्ट किया। एग्जिट
ऑपोजिट के यहाँ पे इंटरटेन के एक जगह है जहाँ पे आप फ्रेश भी हो सकते हो और बच्चों का प्ले स्टोर भी है और बहुत सारे कुछ शो टाइम भी है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 3D, 4D, 7D, 12D ये सब शो है यहाँ के एंटरटेनमेंट के लिए। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। चलिए चलते हैं, बाय बाय।